मायसेल्फ एजे, आज हम देखने वाले हाउ टू क्रिएट अ गूगल फॉर्म। ठीक, गूगल फॉर्म इन द सेंस नॉर्मल सर्वे फॉर्म हम क्रिएट करेंगे, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि फीडबैक फॉर्म, सर्वे फॉर्म। तो फर्स्ट इस वीडियो में हम सर्वे फॉर्म क्रिएट करेंगे, सेकेंड जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपको उसके अंदर हम क्विज ओके या एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम किस तरह से कंडक्ट कर सकते हैं। देन थर्ड कि जैसे कि कोई भी सर्टिफिकेट आपको जनरेट करना है उस पर्पज के लिए, ऐसे तीन बेसिक वीडियोज हम इसके अंदर करने वाले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके अंदर क्या चाहिए, रिक्वायर्ड है एक जो आपका गूगल लॉगिन। ओके, तो सिंपल जो आपका जीमेल का लॉगिन आप करते हो, सेम लॉगिन एज गूगल लॉगिन या गूगल फॉर्म के अंदर आपको रिक्वायर्ड है। सिंपली आपको लॉगिन करना है या अदरवाइज यहाँ पे जैसे सर्च करो, जो क्रोम में आपका ब्राउजर है या कोई दूसरा ब्राउजर आपको प्रेफरेबल होगा उसके अंदर सिंपली आपको सर्च करना है गूगल फॉर्म। ओके, गूगल फॉर्म सर्च करना है। गूगल फॉर्म सर्च करने के बाद जो फर्स्ट वाला लिंक आएगा www.google.com/form/about। ओके, सो इसके ऊपर जाने के बाद आपको सेम जो गूगल फॉर्म का फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ पे फर्स्ट आपको साइन अप ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली आपके जो गूगल साइन इन के क्रेडेंशियल आपके पास हो गए, यूजर नेम, पासवर्ड, ओके, इन द सेंस ईमेल आईडी एंड पासवर्ड आपके पास हो गए, उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे लॉग इन करना है। देन गो टू अ फॉर्म। ओके, सो यहाँ पे हमने पहले से ही बहुत सारे फॉर्म क्रिएट कर चुके हैं, एग्जाम कंडक्ट कर चुके, तो इसके अकॉर्डिंगली बहुत सारे फॉर्म्स हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है। बट आपके लिए मैं प्ली जो स्टार्टिंग स्टेज हो गए वहाँ से ही स्टार्ट करने वाला। तो सिंपली आपको क्या करना है, ओके, टेम्पलेट भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है कि जिसके अकॉर्डिंगली आप जितने चाहिए उतने फॉर्म्स यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको क्रिएट करना है, देन टी शर्ट, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फाइंड अ टाइम, देन RSVP या पार्टी, जो उसके अकॉर्डिंगली आपको रिक्वायर्ड होगा वो टेम्पलेट्स आप यहाँ से ले सकते हैं, या अदरवाइज सिंपली यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म भी ले सकते हैं। ओके, तो दोनों आपको दिखाते देता हूँ। ये ब्लैंक फॉर्म, ओके, ब्लैंक फॉर्म के अंदर क्या आ जाएगा कि जैसे कि टाइटल फॉर्म, देन डिस्क्रिप्शन, क्वेश्चंस, आंसर्स, ओके, ये नॉर्मल आपका ब्लैंक फॉर्म में आ जाएगा, इसको हम क्रिएट करेंगे। तो लेकिन उससे पहले हम देखते हैं जो नॉर्मल हमने टेम्पलेट का फॉर्म देखा था, तो सेम गो टू फॉर्म। ओके, गो टू फॉर्म जाने के बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक जो टेम्पलेट है उसको एक बार ओवरलुक कर देते हैं, इसके अंदर क्या क्या। सो देखो, फर्स्ट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन, कंपेयर करते हैं दोनों को साइड बाय साइड लेके, कि दोनों को कंपेयर करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सो क्या क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे एक इमेज उन्होंने ऐड की है फॉर डिस्क्रिप्शन पर्पज, कि आपके दो भी मोटिव होगा या जो भी आपको टेम्पलेट्स यहाँ पे असाइन करने है वो यहाँ पे जैसे जो ग्रीन स्क्रीन है वहाँ पे असाइन कर सकते हैं। देन आपके टाइटल ऑफ पेज, ओके, आपका फॉर्म कौन से पर्पज के लिए है, जो उसका हेडिंग, देन उसका टाइटल कि कौन से पर्पज के लिए आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, देन नेम, ईमेल, एड्रेस, फोन नंबर एंड उसके अकॉर्डिंगली जो भी इंफॉर्मेशन उसको सेंड करें। ओके, तो सेम टाइप में आप क्या कर, हम यहाँ पे क्या करने वाले, एक फॉर्म क्रिएट करने वाले फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टूडेंट हो सकता है या एम्प्लॉय हो सकता है, जो भी आपको जहाँ से एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं एक एग्जाम्पल स्टूडेंट का। सो हमें स्टूडेंट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, इसलिए कि उनका नेम, रोल नंबर, ईमेल एड्रेस, ओके, सभी का रिकॉर्ड हमें एक एक्सेल शीट में चाहिए। तो सिंपली हम एक क्रिएट करेंगे एंड जिसका लिंक वाया आप ईमेल से या लिंक डायरेक्टली उनके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली जो डिटेल्स होगी आपके यहाँ पे मिल जाएगी। सो इसको क्लोज करते हैं, नॉर्मल जो हमारा है तो उससे स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम टाइटल देंगे इसको स्टूडेंट कॉन्टैक्ट इन्फो, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। सो स्टूडेंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो ऑब्वियस चेंज यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगा, जो आपका नाम होगा ऊपर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सिंपली आपको एक क्लिक करना है वहाँ पे, तो नेम चेंज हो गया आपके फाइल का। देन अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर हम क्या देख सकते हैं कि क्या क्या आपको उसके अंदर देखना है, जैसे कि हम यहाँ पे लिखेंगे, तो अभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट स्टार्ट हो गया है, तो फर्स्ट ईयर
कि अभी जैसे 21 22 चालू है, कि यस तो 21 22 नॉर्मल जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। देन नेक्स्ट हमें क्या चाहिए यहाँ पे, नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सिंपल नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो नेम ऑफ द स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। ओके गूगल, इफ आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो ऑब्वियसली ये जो सजेशन होंगे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। ओके तो यहाँ पे नेम फील्ड है तो गूगल ने ऑटोमेटिकली उसको सिंक्रोनाइज कर दिया एंड उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपका ऑप्शन ऑटोमेटिकली शॉर्ट आंसर में चेंज हो गया। कि आप इसको लेबल ही देना है आपको, जैसे कि आप डिस्क्रिप्शन में आपको बता देता हूँ। सो शॉर्ट आंसर इन द सेंस, एक सिंगल स्टेटमेंट का आंसर आपको यहाँ पे देना है, पैराग्राफ वाला आंसर देना है तो पैराग्राफ ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। देन मल्टी चॉइस ऑप्शन, के मल्टी चॉइस इन द सेंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो क्विज वाला हम क्रिएट करने वाले उसके रिगार्डिंगली उसके अंदर होंगे। देन चेकबॉक्स, ओके कि दोनों मल्टीपल्स ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने हैं उस पर्पज के लिए। देन ड्रॉप डाउन, अगेन सिंगल ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है उस पर्पज के लिए ड्रॉप डाउन। देन फाइल अपलोड, कि आपको कोई फाइल अपलोड करनी है तो इसे मल्टीपल्स ऑप्शन इसके अंदर आप दे सकते हो। ओके सो इसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, जितने भी मल्टीपल्स ऑप्शन है हर ऑप्शन हम चेक करने वाले एंड उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो फॉर्म है उसके अंदर अपडेट करने वाले। ए हो गया नॉर्मल टैक्स इंफॉर्मेशन आपने ऐड कर दी एज अ लेबल। ओके तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इफ हमारे पास टैक्स हमें इंसर्ट नहीं करना है। ओके या कोई आपको रेडीमेड आपके पास डेटा होगा तो यहाँ पे आप इमेज का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। जैसे कि इमेज ऑप्शन आपको यहाँ पे कब यूज होगा, जैसे कि कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको लिखना है। ओके इन द सेंस इन अ क्वेश्चन फॉर्म के अंदर इफ आपको मैथमेटिक्स कुछ लिखना होगा जैसे फॉर्मूलाज वगैरह, सो हम लेबल से वो लिखना डिफिकल्ट हो सकता है तो उस पर्पज के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे लेबल। ओके सो यहाँ पे हम इमेज यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो ए हो गया फर्स्ट। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखो जैसे कि कॉपी का ऑप्शन दिया है। ओके सो कॉपी इन द सेंस जो दो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट दिख रहा होगा कॉपी डुप्लीकेट। ओके तो ये डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करेंगे सेम अगेन कॉपी एक इसका क्रिएट हो गया। देन इसके साइड में आपको दिख रहा है डिलीट। ओके जैसे पॉपअप हो रहा है आपको यहाँ पे जैसे डस्टबिन वाला सिंबल, तो इसको क्लिक करेंगे तो फाइल वहां से डिलीट हो जाएगी। देन नेक्स्ट यहाँ पे रिक्वायर्ड। ओके सो रिक्वायर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पे क्यू है। ओके इफ आपको जो क्वेश्चन है वो कंपल्सरी देना होगा। ओके क्वेश्चन कंपल्सरी असाइन करना होगा उस पर्पज के लिए आप यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड अनेबल करोगे ऑन करोगे। देन नेक्स्ट ये थ्री डॉट दिख रहे हैं इसका यूज क्या है कि आपको क्वेश्चन के रिगार्डिंग या जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो गूगल फॉर्म के अंदर या सर्वे के अंदर उसके अंदर कुछ डिस्क्रिप्शन देना होगा। सो उसके लिए आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। ओके या कोई वैलिडेशन ऐड करना होगा रिस्पॉन्स के रिगार्डिंगली वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। ओके देन नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि प्लस एड क्वेश्चन, देन इम्पोर्ट क्वेश्चन, एड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, एड इमेज, एड वीडियो एंड एड सेक्शन। ओके हर एक पार्ट के लिए हर एक पॉइंट के लिए हम अलग अलग से वीडियो देने वाले। ओके नॉर्मल जो चीज यहाँ पे यूज होगी दैट इज एन एड क्वेश्चन। नेम ऑफ द स्टूडेंट हो गया। देन अभी हमें पता है नेम, अभी यहाँ पे हम एड करेंगे ईमेल एड्रेस ऑफ एन स्टूडेंट। ओके सो ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो गया। देन हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप नंबर फॉर कम्युनिकेशन या नॉर्मल जो मोबाइल नंबर होगा फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, हमें मोबाइल नंबर यहाँ पे उसको रिक्वायर्ड देना पड़ेगा। ओके ये तीन चीजें हो गई। देन नेक्स्ट इसके अंदर जैसे कि और कौन सी चीज रिक्वायर्ड है, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, क्योंकि इतनी चीज सफिशियंट है शायद से, इतनी तीन चीजें हमें रिक्वायर्ड है सफिशियंट है। सो इसको व्यू किस तरह से करेंगे कि जैसे कि यूजर या इफ हमने स्टूडेंट को पास कर दिया तो स्टूडेंट को किस तरह से इसको व्यू आने वाले, तो इसके लिए आपको यहाँ पे जैसे कि थर्ड नंबर में, ओके जैसे कि अपर लोअर में थर्ड नंबर में एक आई वाला बटन दिखेगा। ओके जिसके अंदर आईज होंगे प्रीव्यू करके, जैसे कि माउस आप वहां पे ड्रैग करोगे तो आपको प्रीव्यू करके ऑप्शन मिलेगा अपर में। ओके
सो उसके ऊपर क्लिक करना है आपको। सो इस तरह से एक जैसे कि मेरा ईमेल एड्रेस है, सो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे नेम, ईमेल एंड जो भी रिस्पॉन्स है। ओके, तो नेम में यहाँ पे दे सकता हूँ एजे अपग्रेडिंग, जो आपका नाम होगा, मेरे चैनल का नाम ऑफिशियल जो है, या मैं मेरा नाम यहाँ पे असाइन करता हूँ ओके एज अ स्टूडेंट। देन ईमेल एड्रेस जो ऊपर दिया है सेम आप दे सकते हो, या आपके अकॉर्डिंगली आपका अलग कोई होगा वो भी यहाँ पे दे सकते हो। ओके, ये नॉर्मल डेमो वाला है, सो ओके मोबाइल नंबर तो मैं ओरिजिनल नहीं डाल सकता यहाँ पे, बट यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 8 डिजिट वाला मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया। ओके, देन यहाँ पे मैं सबमिट करूँगा। तो सबमिट करने के बाद रिस्पॉन्स एडेड हो गया। इफ आपको और कोई रिस्पॉन्स ऐड करना है तो सिंपल अनदर रिस्पॉन्स ऐड कर सकते हो, एंड यहाँ पे एडिट फॉर्म करना होगा तो एडिट फॉर्म कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे देखो फॉर्म एडिट करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑप्शन आ रहा है रिस्पॉन्सेज की, एक रिस्पॉन्स आ गया है तो उसके अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे आ गई। ओके, देन यहाँ पे और एक चीज आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि अनदर रिस्पॉन्स हम दे सकते इफ आपने ऑलरेडी रिस्पॉन्स किया होगा तो अभी इसको किस तरह से रोक सकते हैं। तो इस चीज हम हमारे नेक्स्ट, क्योंकि जो एग्जाम वाला सेशन होगा कि एट ए टाइम एक सिंगल स्टूडेंट ही एग्जाम दे सकता है, तो उस पर्पस के लिए हम क्या करेंगे, वो ऑप्शन हमारे नेक्स्ट वीडियोस में ऐड करेंगे कि एक सिंगल रिस्पॉन्स ये हमारे एक सिंगल गूगल फॉर्म के लिए। ठीक, फिलहाल ये नॉर्मल हो गया आपका गूगल फॉर्म किस तरह से क्रिएट करना है ओके, एंड उसका रिस्पॉन्स किस तरह से। देन लास्ट स्टेज इसके अंदर कि इसको सेंड किस तरह से करेंगे, यहाँ पे आपको सेंड बटन दिख रहा है तो सेंड बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। इफ आपको इस गूगल फॉर्म को शेयर करना है आपके जो स्टूडेंट है उनके साथ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं वाया ईमेल ओके, देन सेकेंड वाया लिंक ओके। जैसे कि जो लिंक आपको दी गई होगी तो एक जैसे कि बहुत बड़ी लिंक है तो उसको आप शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है शॉर्ट टर्म यू आर एल ओके, तो उससे आप इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं कंट्रोल सी कॉपी, या यहाँ पे बटन दिया कॉपी का तो कॉपी कर सकते हैं, एंड उसको आपके जो फ्रेंड्स होंगे या स्टूडेंट्स होंगे तो उनके साथ शेयर कर सकते हो, तो डेटा फिल करेंगे ना आपको यहाँ पे जो रिस्पॉन्सेज है वो रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे ओके। देन नेक्स्ट आपको जैसे कि एम्बेडेड एचटीएमएल ओके, सो ये क्यों यूज होगा कि इफ आपको सेम जो आपका लिंक होगा स्पेसिफिकली किसी फॉर्म के अंदर या वेबसाइट के अंदर या पीडीएफ के अंदर आपने देखा होगा या इमेज के अंदर इन बिल्ड एड करना होगा, क्योंकि जैसे कि पीडीएफ हमने ओपन किया, पीडीएफ के अंदर ओपन करने के बाद कोई लिंक हमें देनी होगी, सो उस पर्पज के लिए आई फ्रेम एंड जो सोर्स होगा फ्रेम का कोड जो हम इसको ऐड करेंगे। ये भी हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करने वाले, बस आपको इंफॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे इसको देख सकते हो ओके। देन लास्ट एक कलेक्ट ईमेल ओके, कलेक्ट ईमेल हमने क्यों किया कि जैसे लाइक ए वाला जो ऑप्शन होगा ओके, जैसे कि ईमेल वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको वैलिड ईमेल आईडी ही कलेक्ट करना है, यहाँ पे कि जैसे कि कोई भी इनवैलिड ईमेल आईडी होगा तो भी हम यहाँ पे कलेक्ट करेंगे, बट वैलिड ईमेल आईडीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेटिंग के अंदर जब भी हम सेंड करेंगे तो यहाँ पे कलेक्ट ईमेल के ऊपर आपको क्लिक करना है, तो कलेक्ट ईमेल से यहाँ पे आपको जो वैलिड वाला होगा कि वो चेक करेगा कि जैसे गूगल है तो उतना वो इंटेलिजेंस है, तो गूगल क्या करेगा उसको वैलिड है क्या नहीं चेक करेगा एंड उसके अकॉर्डिंगली ही उसका रिस्पॉन्स लेगा ओके। सो यहाँ पे फिर से हम इसको प्रीव्यू करते हैं, फिर वैलिड है क्या नहीं, तो नॉर्मल abc@gmail ओके। कलेक्ट रिमेंडेशन जो आपका ऊपर दिया होगा वो भी कलेक्ट होता है कुछ सिनारियोस के अंदर, सो हमने एक नॉर्मल एक डमी वैल्यू इंसर्ट कर दी, सो हो गया सबमिट। सो यहाँ पे रिस्पॉन्स देखते हैं, सो एबीसी हाँ जो भी डेटा आपने इंसर्ट किया वो डेटा इंसर्ट यहाँ पे आ जाएगा ओके। देन यहाँ पे देखो जैसे कि एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज ओके, ये वाला चीज यहाँ पे क्या परफॉर्म करता है कि इफ आपको स्पेसिफिक टाइम तक ही वो रिस्पॉन्सेस कलेक्ट करने हैं ओके, तो उस पर्पज के लिए आप क्या करोगे, ये रिस्पॉन्सेस एनेबल रखोगे। इफ आपको इसको डिसेबल कर दोगे
तो जो नेक्स्ट वाले फॉर्म हो गए, नेक्स्ट वाली जो इंफॉर्मेशन सबमिट होने वाली है वो यहाँ पे आने वाली है, नहीं है। तो दिस फॉर्म इज नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स, कि इसके बाद जो भी रिस्पॉन्सेज या सबमिशन होंगे इंफॉर्मेशन वो यहाँ पे आने वाली नहीं है, कि बिकॉज ऑफ हमने यहाँ पे रिस्पॉन्सेज स्टॉप कर दी। इसको एंड ऑन रखोगे तभी वो रिस्पॉन्सेज यहाँ पे कलेक्ट होने वाली है। ओके, तो आप किस तरह से इसको डिटेक्ट कर सकते हो? तो सिंपल, इसको ऑफ कर देते हैं, गूगल फॉर्म पे जाते हैं, अगेन इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे मैसेज आ जाता है, नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो जाता है, द फॉर्म ऑफ स्टूडेंट कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन इज नो लॉन्गर एक्सेप्ट रिस्पॉन्सेज, कि इफ हम रिस्पॉन्सेज यहाँ पे अनेबल करेंगे एंड अगेन इसको रिफ्रेश करेंगे तो तभी वो एक्टिव हो जाएगा। सो रिस्पॉन्सेज इन द स्पेसिफिक, जो टाइम पीरियड हमने दिया होगा कि जब तक हमें रिस्पॉन्सेज से हमारी डेडलाइन है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की, तो उस पर्पज के लिए हम वो रिस्पॉन्सेज यहाँ पे ऐड करेंगे। देन मेन लास्ट चीज इसके अंदर है, जैसे कि जो एक्सेल का यहाँ पे आपको शीट दिख रहा होगा कि एक्सेल का सिंबल क्रिएट एक्सेल शीट, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारा डेटा होगा, कि जो हमने डेटा कलेक्ट किया है सभी डेटा हमें इन अ फॉर्म ऑफ एक्सेल, कि आपको न्यू एक्सेल शीट क्रिएट करना है तो उसके अकॉर्डिंगली आप न्यू एक्सेल शीट क्रिएट कर सकते हो, क्या जो एग्जिस्टिंग एक्सेल शीट हो गया आपके पास कोई तो उसके अंदर क्रिएट करना है तो उस पर्पज में भी आप क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम न्यू एक्सेल शीट करते हैं क्रिएट। सो एक फॉर्म के लिए एक शीट क्रिएट होती है। सो टाइम जैसे कि आज की जो डेट है 1/1/22 अकॉर्डिंग टू टाइम आपको यहाँ पे रिस्पॉन्सेस मिल जाएंगे। तो एक सिंगल एक्सेल शीट के अंदर आपको पूरे जितने भी इंफॉर्मेशन नंबर्स ऑफ जो रिकॉर्ड है आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। तो इफ कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी या कोई भी सजेशन होगा सो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर उसको कवर करेंगे या वही कमेंट में आपको रिप्लाई देके आपके जो डाउट होंगे वो सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोटिवेशन पर्पज। थैंक यू।